बधाई। अरे हमारे बेटा का शादी हुआ है। अरे जब मियाँ बीबी राजी तो कोई का ही कर सकता है, इसीलिए खुशी के मौका पे मुंह मीठा कीजिए। संधन जी सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। अरे आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। और संधन जी अरे गले तो लग लीजिए। अरे काहे ना, बधाई हो बधाई हो। वाली माँ जी, अच्छा के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखिए कब बेस्ट एंड बेस्ट खेला खेला है उन्होंने। भगवान का नहीं, ये हमारी दीदी टाटा वाली का लीला है। दीसी हमको तुम पे नाज है। आप सब एक मिनट के लिए ये भूल जाइए कि ऋषि अपना शादी के बाद छुपाया। लेकिन इसका उजला पक्ष देखिए कि शादी किया भी है तो किससे किया है, पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से। टाटा वाली की बहू ऐसा ही होना चाहिए। ये दोनों डॉक्टर बनेंगे, जबकि ये डेढ़ फुटिया से हमको ऋषि का शादी कतई मंजूर नहीं। बल्कि हमको तो शर्म आता है बताने में कैसा अजूबा घर का बहू है। वो कहते हैं ना, भगवान की चक्की में आवाज नहीं होती, लेकिन पिस्ता बहुत महीन है। चलो इस शादी से उस शादी का निपटारा हो। देवर जी आप बहुत बढ़िया समझाते हैं, एक काम कीजिए, इस लड़की को इनका शादी का मतलब समझाइए और साथ में कानून पक्ष भी समझाइए। देखो अनमोल, इस शादी के बारे में हम लोगों को भी पता नहीं था, लेकिन ये शादी हो चुका है और उसका सबूत है ये मैरिज सर्टिफिकेट। हिसाब से तुम्हारा शादी वैलिड है, तुम्हारा और ऋषि का शादी मान्य नहीं है। अनमोल मान्य नहीं है। अनमोल मान्य नहीं है। एक मिनट पिंकी, आई एम सॉरी अनमोल, लेकिन यही सच है। हम और पिंकी एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं।
और हम शादी कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। अब यही सच्चाई है और तुमसे शादी के समय हम इस सच्चाई को बताने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था और तुम भी तो वहां चुप बैठी थी। देखो अनमोल, अब सही गलत भला बुरा जो कुछ भी है वो यही है और ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी अच्छा है। तुमको भी इस बेगैरत जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। आखिर कब तक तुम अपना अपमान सहते हुए यहां रहोगी? अब तुम भी आजाद हो, जो हुआ सो हुआ। तुम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, जो तुम्हारे सपने हैं उनको पूरा करो। ऋषि, आप शादी के समय सिर्फ ये बोल रहे थे कि आपको शादी नहीं करना, आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपका शादी हो चुका है। अरे हमको कोई बोलने कहां दे रहा था तो कैसे बोलते? चलिए मान ली, लेकिन जब हम यहाँ शादी होकर आए थे आप तभी बता देते। हम उसी समय ये घर छोड़ के चले जाते। खैर कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। कभी कभी इंसान चाहकर भी अपने दिल की बात नहीं बोल पाता, लेकिन कोई बात नहीं, आपका शादी हो चुका है ना, हम आपकी जिंदगी का रोड़ा नहीं बनेंगे। आप और पिंकी खुश रहिए, हम अभी यहां से चले जाते हैं।
लीजिए ना। इससे हमारा फोटो अच्छा आता है। बहन जी आइए ना आप। हाँ बहन जी के साथ खींचो, इधर। हाँ पिंकी के साथ खींचिए। अरे अरे आप लोग कुछ लीजिए ना। अरे माँ जी लीजिए। भाई साहब ये मिठाई खाइए। अब बहन जी खिलाएं चाहे हम खिलाएं, बात तो एक ही है। लीजिए। अरे आप लीजिए। अब बहन जी अब आप ही खा लीजिए। हम बहुत मीठा नहीं खाते हैं। आप बैठिए, सब छोड़िए, आप बैठिए। हम चलते हैं। कोई भूल चूक, कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिए। बाबा रे बाबा, ये तो कांड हो गया। अनमोल टेम्पो मंगा दे का? नहीं खासी, हम चले जाएंगे। तो जाओ। अनमोल अगर ऐसे चली गई वापस अपने मायके तो उसके माँ पापा को कितना ठेस पहुंचेगा, और समाज वाले भी अनमोल पर उंगली उठाएंगे। ऐसा हम कैसे होने दे सकते हैं? हमको कुछ करना पड़ेगा। देखिए पिंकी को कुछ मत कहिए। हम आपको फोन में पहले ही मैसेज करके बता दिए थे ना सब। तब हमारी बेटी के शादी का खबर हमारे फोन के मैसेज पर मिले। ये सब बकवास।
झूठ है एकदम। अरे पिंकी का कोनो शादी नहीं हुआ है। हम अपनी बेटी को अच्छा तरह से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। है पिंकी, चल चिराग अनमोल का सामान लेके चल। चिराग रुको, देखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं होगा। देखिए मैरिज सर्टिफिकेट, पिंकी और ऋषि का शादी हो चुका है। चुप। और सर्टिफिकेट कर रहा है तो अभी ये तुम्हारा हम डेथ सर्टिफिकेट बनवा देंगे। चाचा जी, हम अपने पति और ससुराल वालों पर आपको बंदूक नहीं उठाने देंगे। देखिए सब उल्टा पुल्टा काम मत करिए आप। अरे क्या कर रहे हैं? ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप हमारे पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तो तुम रे साथ कर। नहीं बहन जी, देख रही हैं आप, देख रही हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर। आप अनमोल के चाचा हैं इसीलिए लिहाज कर रहे हैं, लेकिन अब और आपका अत्याचार नहीं सहेंगे। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? देखो हम बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं ना चाचा जी। हमारे लोग को नजर रखे सब पर। अबे इधर चल चल चाचा जी। हाँ चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उनका शादी हो चुका है। कौन बोला? तुम अपने आंख से देखी हो। तुमको घर से बाहर निकालने के लिए सब मिलकर नाटक कर रहे हैं, लेकिन तू बेटा इनके जाल में मत फंसना। कुछ हो जाए कहीं तू घर से बाहर कदम निकालेगी ना इसी से हाथ धो बैठे। लेकिन चाचा जी, इस घर में रहकर भी तो ऋषि हमारे नहीं है, वो हमें अपनी पत्नी मानते ही नहीं। बेटा तुम्हारा ऋषि के साथ शादी हुआ है, सही गलत चाहे जैसे भी हुआ, लेकिन पिंकी का शादी नहीं हुआ है, ये बात हम गारंटी से कह सकते। बस बेटा थोड़ा समय दे दे हमको, इन झूठ का तो हम पर्दाफाश करके रहे। लेकिन चाचा जी, इस तरह यहाँ जबरदस्ती रहने का क्या मतलब? नहीं,
अच्छा ठीक, लेकिन हुआ जाके खा करो। अरे शादीशुदा लड़की जब मायके में जाके बैठ जाती है तो क्या नतीजा होता? अभी तक तो तुम्हारे हाइट को लेके लोग बोलते थे, अब ना जाने का बात बोले। कई सबसे परेशान होके अगर भैया आत्महत्या करने निकल पड़े तो बेटा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि तू ये रहा, हम कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अच्छा चलते हैं। चाचा जी सही कह रहे हैं, यह हमारा ससुराल है और ऋषि हमारे पति, हमें किसी भी तरह से इस शादी को मंजूरी दिलवानी होगी अपने पति और अपने ससुराल वालों से। इसी में हमारी मायके और ससुराल वालों की भलाई है। जानते हैं ये काम नामुमकिन है, लेकिन इस नामुमकिन को हम मुमकिन करके रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।